अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनुशिया है और मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ और आज हम यहाँ मौजूद हैं मॉक एग्ज़ाम में जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने FCPS पार्ट 2 के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके होने वाले एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट करवाया, जिसमें उन सारे कैंडिडेट्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और इसके जो चीफ ऑर्गेनाइज़र्स हैं उसमें प्रोफेसर अमानुल्लाह अब्बासी एंड टीम एंड मेडिकल यूनिट 3 शामिल हैं। इसमें कैंडिडेट्स को टोक्स के एग्जामिनेशन सारे करवाए जिसमें डिफरेंट स्टेशंस थे, उसके अलावा शॉर्ट केसेस, और अब ये सारे कैंडिडेट्स लॉन्ग केसेस परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारे पास माशाल्लाह से सारी जो वेल नोन फैकल्टी है जिसमें बहुत सारे प्रोफेसर शामिल हैं वो आज एज ए एग्जामिनर शामिल हुए हुए हैं, जिनमें मैं चंद नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि प्रोफेसर शाहीन भट्टी, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ मेमन, प्रोफेसर खालिद इमरान, प्रोफेसर अमानुल्लाह अब्बासी, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर जुनैरा एंड प्रोफेसर इफ्तिखार, और इस तरह के बहुत सारे प्रोफेसर दर्शन, ये सब लोग शामिल हुए हैं। एंड टू ऑर्गेनाइज दिस मॉक एग्जामिनेशन वी वर मेनली फैसिलिटेटेड बाय वर्दी वाइस चांसलर ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर सईद कुरैशी, who does not require any introduction. Professor Saeed Qureshi has always promoted the academic activities of undergraduate and postgraduate medical students, and he has keen interest in state-of-the-art laboratories and advanced procedures. In addition, we would like to mention the cooperation of Pro Vice Chancellor of Dow University of Health Sciences, Professor Dr. Nusrat Shah, a very hard-working and dedicated lady, and principal of Dow Medical College, Professor Dr. Saba Suhail. And we are also very thankful to the chairperson of medicine of Dow University of Health Sciences, Professor Dr. Shaheen Bhatti. ये जो मॉक एग्ज़ाम मुनक़द हुआ है जो FCPS पार्ट 2 कैंडिडेट्स के लिए, ये एक बहुत अच्छा सिलसिला स्टार्ट हुआ है और जिससे स्टूडेंट्स बहुत बेनिफिट करेंगे इंशाल्लाह, और इम्तिहान की एक ऐसी तैयारी इनकी हो जाएगी जिससे इनको एग्ज़ाम्स में जो एक फ़र्स्ट अपीयरेंस में जो एकदम स्ट्रेस होता है वो भी एक काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ स्टार्ट ली है तो इंशाल्लाह आगे भी टाइमली होती रहेंगी जिससे स्टूडेंट्स का बेनिफिट रहेगा। वी वुड लाइक टू थैंक द डीन ऑफ मेडिसिन ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद। एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट बनता है उसकी ज़िंदगी में ट्रेनिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसकी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल स्टेप होता है FCPS पार्ट 2 या MRCP पार्ट 2 का पास करना, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता, उसमें उसकी स्किल भी चेक होती हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी साहब ने, जो हम सारी फैकल्टी को बुला के सिंध भर से रेजिडेंट आए हैं और उनको जिसमें सिखाया गया है कि किस तरह एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, उनको हमने रियली एक्सपोज किया है एग्ज़ाम के सिनेरियो में, और उस एग्ज़ाम के सिनेरियो में जिस तरह से वो अपीयर होंगे वी बिहेव लाइक एग्जामिनर्स, और उनको उसके एंड पे हमने बताया है बैठ के कि देखिए इस जगह आपको इस तरह से इम्प्रूव करना है। इस तरह की प्रैक्टिस से उनकी वो गलतियाँ जो उन्होंने एग्ज़ाम में जा के करनी होती हैं वो पहले से ही उनको आइडेंटिफाई हो जाती हैं, और ये बहुत बेहतर एक्सरसाइज है। द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस मॉक एग्जामिनेशन फॉर FCPS पार्ट 2 मेडिसिन वॉज प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी। ही इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल यूनिट 3। ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड एन एक्टिव मेंबर ऑफ वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। इन द लास्ट 4 मंथ्स He has conducted a big international conference of Pakistan Society of Gastroenterology and also celebrated World Digestive Day and World Hepatitis Day. He is academically oriented and his focus of interest was to help maximum number of candidates to clear FCPS 2 examination so that the maximum number of consultants can serve in peripheries. Mock examination FCPS Part 2 candidates ke liye Dow University mein free of cost
विदाउट एनी कॉस्ट, ये इन्होंने हम लोगों ने मिलके जो है ये मुनाकिद किया। इसमें हमने पूरे इंटीरियर सिंध और ऑल ओवर पाकिस्तान हमने कैंडिडेट बुलाए जिनको फ्री ऑफ कास्ट हमने ट्रेनिंग कराई। और ये ट्रेनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये इनको एसीपीएस पार्ट टू पास करने में 100% हेल्प मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेंट प्रोड्यूस करेंगे। और वो जो ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेंट हैं पेरीफ्री में जाके जहाँ पे जो गरीब पेशेंट है जो शहर में रीच नहीं कर सकता तो वहाँ पेरीफ्री में जाके वो कंसल्टेंट पहुँचेंगे। तो मैक्सिमम कंसल्टेंट को निकालने के लिए, मैक्सिमम कंसल्टेंट प्रोड्यूस करने के लिए डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मॉक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ पूरी अपनी टीम का। The candidate also gained extensive knowledge and information from our retired professors like Professor Khalid Imran, Professor Badr Fayaz Zubairi, Professor Khalid Mahmood, Professor Abdul Rauf Maiman, Professor Aurangzeb, Professor Abu Talib and Professor Sajjad Jafri, who attended the mock examination as examiners. हम पहले भी इम्तिहान करते रहे हैं। FCPS Part 2 के जो trainees हैं वो आते थे, ट्रेनिंग करते थे, इसके बाद इम्तिहान में अपीयर होते थे और हमें फील होता था कि कुछ लैकिंग है उनकी ट्रेनिंग के अंदर, या उनको ये नहीं अंदाज़ा कि इम्तिहान कैसे अप्रोच किया जाता है। जो हमारे पास ट्रेन हो रहे होते हैं उनमें और जो दूसरी जगहों से आ रहे होते हैं उनके अंदर एक डिफरेंस फील होता था। तो ये डॉक्टर अमानुल्लाह का बहुत अच्छा वेंचर था, उन्होंने पूरे सिंध के जो लोग थे उनको इन्वाइट किया और सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, यहाँ पर आए और दो दिन उनका इम्तिहान हुआ। उसमें उनको एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने का तरीका भी सिखाया गया, पासिंग के तरीके भी बताए गए और उनको ये भी असेस किया गया क्या क्या कमी है, क्या क्या कोताही है, अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा एंडेवर है। मैं और जगहों पर भी जाता हूँ, इस तरह के जो काम FCPS के मॉक एग्ज़ाम्स होते रहते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी कर रहे हैं, तो मिलजुल कर ये अच्छा काम हो रहा है, उसको आगे बढ़ना चाहिए और करते रहना चाहिए। द सपोर्टिव चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस मॉक एग्जामिनेशन वॉज प्रोफेसर हारिस अलवी। ही इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल यूनिट 5 इंडाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। We are very thankful to organizing faculty of this mock examination naming Dr. Naresh Kumar, Dr. Mohammad Ubaid, Dr. Kanaiya Lal, Dr. Zunaira Nawaz and Dr. Anoshia. We are very grateful to our postgraduate trainees, house officers, all the students and candidates who took part in this examination and also gave their feedback.